ओके okay. सो so, आज हम बात करने वाले हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में बिकॉज हमें अगर इसके बारे में पता ही नहीं तो उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे हम लोग राइट है सो so, मिड ब्रेन एक्टिवेशन मिड ब्रेन क्या होता है मिड ब्रेन ब्रेन ये दोनों बीच के बीच का एक हिस्सा होता है जो अगर एक्टिवेट हो जाए तो उसके अंदर पावर्स होती है विजन की यूरिंग की और मोटर स्किल्स यानी फिजिकल एक्टिविटी या तो फिर ये हमारा जो स्किन होता है उसके थ्रू हम चीजों को डिटेक्ट कर सके ऐसी पावर्स हमें मिलती है तो अब बात करते हैं हमारे ब्रेन की काफी लोग जो आज की डेट में ऑन कर रही है खर्च कर रहे हैं तो ज्यादातर तो लोग ये गर्दन के नीचे में 90 परसेंट सारा खर्च करते हैं और रिजल्ट ये आता है कि हमारी लाइफ एवरेज चलती है हम सफल तो होना चाहते हैं कुछ एक्सेल करना चाहते हैं लाइफ में बड़ा तो बनना चाहते हैं लेकिन सब अच्छे दिखने में रह जाते हैं लेकिन कुछ अच्छा कर नहीं पाते इतिहास नहीं रच पाते तो अगर आपको लाइफ में सफल होना है विनर बनना है बड़ा बनना है तो नोटिस करिए मार्क जुकब स्टीव जॉब जैसे महान लोगों को बिल गेट्स को वो वही कपड़े रेगुलर पहनते हैं उनकी कोई फैशन या डिजाइनिंग में आपको चेंज नहीं रहेगा बिकॉज वो जानते है, है, उसको develop, उसको groom, उसको वो हैं फैशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट उसके ऊपर जो जीवन में जो सफलता का रेशियो है वो हंड्रेड जरूर होगा ये मेरा गारंटी है तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हिस्सा है इसको क्यों डेवलप करना चाहिए बिकॉज हर एक जगह एंट्रेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट है और करियर में भी ग्रोथ अगर चाहते हैं बिजनेस में डेवलपमेंट चाहते हैं कुछ नया इनोवेट भी करना चाहते हैं यानी आज तक आपको जो भी सफलताएं मिली है वो आपको इस हिस्से के कारण ही मिली है और आगे भी इसी हिस्से के कारण मिलेगी यहाँ तक कि जो कोई व्यक्ति ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसका शादी तक नहीं होता बोलते डब्बू है करके राइट right? है तो हमें चाहिए कि इस हिस्से को और हम कैसे विकसित कर सके डेवलप कर सके और आगे बढ़ा सके तो इसको हमें डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आज मैं कुछ पांच चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिसके द्वारा आपका ये हिस्सा आप खुद डेवलप कर पाएंगे घर बैठे अब मैं कुछ टिप्स तो बताऊंगी उसके बाद में कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ आपको कि जो टू डेज का मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स रहेगा अब मैं दोनों इंफॉर्मेशन आपको क्यों दे रही हूं देखिए समुद्र हर एक व्यक्ति के लिए खुला होता है एक व्यक्ति समुद्र के किनारे में पैर ऐसे रेती पर चलने में उसको खुशी मिलती है उसको उसके आगे कुछ नहीं करना है कुछ लोग समुद्र के थोड़ा अंदर जाते हैं पैर डुबाते हैं उनको अच्छा लगता है कुछ लोग शिप लेते हैं और अंदर उतरते हैं समुंदर में और वहां पर सेलिंग का मजा लेते हैं और कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो कुछ पहन लेते हैं उतना मास्क और अंदर जाते हैं और अंदर से मोती निकाल कर लाते हैं तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इस माइंड को कितना पावर देना चाहते हो कितना डेवलप करना चाहते हो तो मैं वो जो रेत पर चलने वाला पार्ट है वो आपको बता दूंगी आप उसको अप्लाई करिए और अगर आप लॉन्ग टर्म मेरे साथ

तो yes, okay. yes. so, अब हम जब बात करते हैं माइंड की तो लोग कुछ लो कोर्स कर चुके होंगे माइंड पावर मेमोरी डेवलपमेंट और वो कहते हैं कि मैम वो माइंड पावर का मैं कर चुका हूं उसमें हिप्नोसिस होता है उससे बहुत फायदा होता है और माइंड तेज होता है पर मैं कहती हूँ फिजिकल ऑर्गन को भी हमें बाजू में नहीं छोड़ना फॉर एग्जाम्पल आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो आप एक कंसल्टेंट हायर कर सकते हो जो आपको मोटिवेट करे और आपको मेंटली ट्रेन कि यस आप वो दौड़, को दौड़ सकते हो आप कॉन्फिडेंट हो आप आगे बढ़ सकते हो लेकिन अगर आपके पैर कमजोर है वो वीक है तो आप कभी मैराथन जीत नहीं सकते बिकॉज फिजिकल ऑर्गन को साथ में लेकर चलना होगा तो उसी तरह माइंड की जब बात आती है तो माइंड रहता कहाँ है ये ब्रेन से ऑपरेट होता है यानी कहीं ना कहीं फिजिकली उसको एक्ट करने के लिए ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट होता है और ये फिजिकल ऑर्गन को एक्टिवेट अगर हम कर दें इसमें जितना ज्यादा सरफेस एरिया हम इंक्रीस को, को में इंक्रीज करें जितने ज्यादा को पाथवेज को हम एक्टिवेट कर दें उतना ज्यादा ब्रेन काम करेगा वो फ्रेश रहेगा वो अच्छा रहेगा तो नेचुरली माइंड भी आपका ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तो ब्रेन को भी उतना इक्वल वेटेज हमें देना होगा सो so, अब ब्रेन पावर एंड सक्सेस जैसे मैंने बताया हर एक जगह पर इसका यूज है मैपिंग करने जाते हैं अब मैं बताने वाली हूं आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है पहली बात तो बता दू आपका ब्रेन एज अ होल ब्रेन कहलाता है लेकिन इसमें भी पार्टीशन होते हैं एक होता है लेफ्ट ब्रेन एक होता है राइट right ब्रेन और उसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पर लिखे हैं जैसे कि सबसे पहले लेफ्ट ब्रेन की मैं बात करना चाहूंगी लेफ्ट ब्रेन वाले जो लोग हैं शायद अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप जानकर जान पाएंगे कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है जैसे कि आपके दो हाथ हैं तो एक हाथ का आप ज्यादा प्रयोग करते हैं उसी तरह आपके दो जो ब्रेन के हिस्से हैं उसमें से एक ब्रेन का ज्यादा आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा है जानने के लिए आप समझते हैं वॉट इज द यूज ऑफ लेफ्ट ब्रेन सबसे पहली बात तो राइट बॉडी पार्ट को अगर आपको मूव करना है तो लेफ्ट ब्रेन ही ऑर्डर करेगा तभी आपका राइट right हिस्सा मूव कर सकता है सेकेंड आपका जो लेफ्ट ब्रेन है लॉजिकल थिंकिंग को मानता है हर एक चीज में क्वेश्चन करना ये है तो क्यों है भगवान है तो क्यों है या ऐसा होता है तो क्यों होता है यानी हर एक चीज में क्वेश्चन लाना ये लॉजिकल माइंड यानी लेफ्ट ब्रेन का काम होता है कोई भी चीज को सिस्टमैटिक करना प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूशन करना यह लेफ्ट ब्रेन को पसंद आता है ये आईक्यू से रिलेटेड टास्क बहुत अच्छे से करते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स सोल्व करना और इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब कोई एग्जाम क्रैक करना मैथ्स में अच्छा होना तो ये बहुत इजीली कर पाते हैं चीजों को रटने का काम भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं सो so, ये होता है लेफ्ट ब्रेन के बारे में अब आता है राइट ब्रेन का पार्ट राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव ब्रेन होता है अगर एक किताब इन लोगों को दी जाए तो वो किताब का इंडेक्स पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे बीच का पढ़ेंगे फर्स्ट पढ़ेंगे जब पूरा खत्म हो जाएगा तो इसका आउटपुट निकालेंगे यानी चीजों को एज अ होल बेसमझने की कोशिश करते हैं ये प्लानिंग के साथ सिस्टमैटिकली नहीं चलते बट क्रिएटिवली इन लोगों को आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है पेंटिंग पसंद होती है कलर्स पसंद होते हैं इनको सिंगिंग डांसिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा पसंद होती है जैसे कि वीडियो गेम्स एंड एक्सेट्रा सो ये राइट ब्रेन के लोग जो लोग होते हैं उनके अंदर एक खासियत होती है कि बहुत क्रिएटिव होते हैं यानी कुछ नया आइडिया और इनोवेशन पर काम करते हैं टेस्टेड एंड जो ट्राइड मेथड है वो ना करते हुए कुछ नया कुछ डिफरेंट करना इन लोगों को पसंद आता है तब जब आप ये

होना चाहिए ज्यादा एक्टिव होना चाहिए तो यहाँ पे कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ क्या रिप्लाईज आए हैं तो अभी तक रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि मेरी बैच के सब लोग ब्रेन के बारे में जानते हैं मनदीप इज न्यू तो मंदीप जी आप बता दीजिए कि आपको मैं टू अनम्यूट कर रही बिकॉज रोहन रंजीत दे नो आशीष यू के इज न्यू आशीष यू कैन ऑल्सो से आई एम स्टार्टिंग दस चैट में डाल दिया है आप लोगों ने ओके लेफ्ट एंड राइट रंजीत राउत ने सही बोला है एंड मनदीप अग्रवाल जी कहते हैं राइट सो अब मैं आपको आंसर करना चाहूंगी आइंस्टाइन के बारे में आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की दोनों ब्रेन इक्वली काम करते थे फिफ्टी फिफ्टी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था टास्क का इसीलिए राइट ब्रेन से क्रिएटिव आइडियाज आते थे तो कुछ नया क्रिएट कर पाते थे और लेफ्ट ब्रेन होता है लॉजिकली उसको पुट करके पैसे कमाने का काम यानी उसको दुनिया के सामने लाना और अपने आप को फेमस बनाना ये भी वो कर पाए और ये साबित इससे भी होता है कि वो दोनों हाथों से लिख पाते थे और जब उनका ब्रेन स्टडी हुआ तो पता चला दोनों ही ब्रेन इक्वली एक्टिव थे आपको दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करना होगा अब जानते हैं कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है एक तो मैंने जो बताया उससे आप जान पाएंगे कि मेरा लग रहा है राइट ज्यादा एक्टिव है या मेरा लेफ्ट एक्टिव है तो अब मैं एक छोटा सा टेस्ट करने जा रही हूं, इससे आपको पता चलेगा आपका कौन सा ज्यादा एक्टिव है सो सो लेट्स डू इट यस अब यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाने जा रही हूँ आपको पीछे जो गई है अभी ये पिक्चर में आपको बोलना ये है कि कंटिन्यूस में जो वर्ड है वो नहीं पढ़ना है जैसे पहला वर्ड है येलो ये नहीं पढ़ना है उसके अंदर जो कलर है वो आपको बोलकर दिखाना है और इसको हम फास्ट करेंगे टाइम नहीं लेना है ठीक है तो नाउ लेट स्टार्ट यू कैन स्टार्ट योर माइक और अब आपको कंटिन्यूसली सिर्फ कलर्स बोलने हैं जो लिखा है वो नहीं पढ़ना है कलर्स बोलने हैं लेट स्टार्ट योर टाइम स्टार्ट नाउ ग्रीन ग्रीन ब्लू ऑरेंज ब्लैक ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लैक

विदाउट uh, मिस्टेक्स कितनी हुई एक मिस्टेक हुई दो मिस्टेक हुई तीन मिस्टेक हुई ये आपको टाइप करना है टाइप करके फटाफट बताइए ऑन है तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं मेरी एक हुई बोल एक हुई बोल बोल दिया। ना, that's fine. रोहन, yours? जीरो वेरी गुड दैट्स नाइस मंदीप जी आप बताइए मंदीप यस आपकी बताइए कितनी मिस्टेक्स हुई फाइव 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 ओके सो फाइव मिस्टेक्स तो अब जब आपकी एक या जीरो मिस्टेक्स होती है कम मिस्टेक्स होती है इसका मतलब आपका राइट right जो है डोमिनेंट है यानी वो अच्छा पावरफुल है अच्छा वर्क कर रहा है लेकिन जैसे मिस्टेक्स बढ़ रही है मतलब आप लॉजिकल यानी लेफ्ट ब्रेन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं ठीक है सो लेट्स डू वन मोर ट्रिक एक और चेक करते हैं आपको आप थोड़ा yeah. देखिएगा स्क्रीन पर एक फोटो है ठीक है इस फोटो में आपको फेसेस जो है वो चेक करने हैं और बताने हैं कितने हैं तो जितने ज्यादा आप फेसेस देख पाएंगे मतलब उतना ज्यादा आपका राइट ब्रेन एक्टिव है तो लेट्स सी यहाँ पर टोटल नौ फेसेस हैं आप कितने देख पा रहे हैं देखिए आप पिंच करके ज़ूम आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कॉर्नर वाइज mm -hmm. तो अपनी स्क्रीन पर पिंच करके भी आप देख पाएंगे तो लेट्स स्टार्ट योर टाइम स्टार्ट नाउ थर्टी सेकेंड्स एंड यू गो ओके okay ना बताइए कहाँ कहाँ है फेसेस कितने दिखे रोहन छः हाँ? दिखे वेरी गुड फोर रोहन पांच पांच रोहन इनको छह दिखे मंदीप जी आपको कितने दिखे छोर ओके लेट्स अब आपको खुद को चेक करना है कि आपने जो बताया वो सही थे या नहीं और वो जो नहीं देख पाए वो भी आप देखिए। अब ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं रेड में आपको वहां पे फेसेस नजर आएंगे सारे तो एक तो बड़े बूढ़े इंसान है एक खड़े हुए बूढ़े इंसान है एक औरत तो उसके हाथ में बच्चा एक कॉर्नर में देखिये की एक लेडी है उसकी नाक और पूरा शेप बनता दिख रहा है और इस कॉर्नर में तो चार चार है वो कॉर्नर वाइज उसकी आंखे बन रही है देखिए फेस बन रहा है देखिए तो आपको वहां पे चार इमेजेस नजर आएंगे राइट

वेरी गुड फोर तो आ, ओके चेक करते हैं वन मोर टाइम अब मैं एक इमेज दिखा रही हूं उसमें से मैक्सिमम चीजें देखिए और विजुअलाइज करिए याद कर लीजिए और हम चेक करते हैं कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है अगर आप ज्यादा चीजों को याद कर पाते हैं मतलब विजुअलाइजेशन पावर आपकी स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं ये भी एक सिम्टम होता है कि आपका क्रिएटिव ब्रेन कितना एक्टिव है तो ये पिक्चर आपने देख ली स्क्रीन पर अब आपको यस yes, अब आपको माइंड में रिकॉल करना है और मुझे बताना है कि कितनी चीजें आपने देखी क्या क्या आइटम्स आइटम्स टेबल कुर्सी एंड ऑल। सेवन चेयर थी एक टेबल डाइनिंग टेबल था yes. दो फ्लावर्स के वो अ, मतलब अग्नि के साइड में थे ऊपर में एक फोटो थी उसके बीच में वॉच थी अमेजिंग रंजीत अमेजिंग यस मोहन यू न्यू

सात आठ दैट इज गुड अब सात आठ इज फाइन ऑन एन एवरेज बेसिस और इसको हमको बढ़ाना है और क्रिएटिविटी हमको बढ़ानी है राइट right? है अब ये तो मैंने बताया लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में ठीक है ये तो हमने चेक किया अब हमने बात करनी है मिड ब्रेन के बारे में कि भाई ये तो हमने बात की कि भाई लेफ्ट और राइट कितना एक्टिव है लेकिन अभी मैं बताऊं तो मिड ब्रेन कितने लोगों का एक्टिव है तो बहुत कम लोगों का यानी एक नॉर्मल फंक्शन उसका हम कर पा रहे हैं लेकिन मिड ब्रेन का मेन फंक्शन होता है विजन हियरिंग और मोटर कंट्रोल स्लीप एंड वेकफुलनेस अब ये नॉर्मल लेवल पे हम यूज करते हैं चीजें लेकिन इसका जो एडवांटेज है मिड ब्रेन का जिसका एक्टिवेट हो जाता है वो आंखें बंद करके भी विजन यानी सीइंग इज डिफरेंट यानी क्या होता है कि देखना आंखों से देखना और विजन का मतलब होता है कि आ, बिना आंखों से देखना विजन यानी कि मुझे फ्यूचर का विजन आया कि मुझे ऐसा कुछ करना है तो विजन मतलब बिना आंखों से देखना तो मिड ब्रेन जब एक्टिवेट हो जाता है तो आपके दोनों ब्रेन के बीच का ये हिस्सा होता है तो ये क्या करता है कि आपके दोनों ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करके क्रिएटिव आइडिया आती है तो उसको लेफ्ट ब्रेन में पहुंचा कर, आपके लाइफ में आपको सफल बनाने के लिए कारगर होता है दूसरा होता है बिना आंखों के आप इसे देख पाते हैं जैसे अभी हमारे जो स्टूडेंट है जिनका मिड ब्रेन हमने एक्टिवेट करवाया विथ द हेल्प ऑफ अर वर्कशॉप वो लोग आंखें बंद करके कलर्स पहचान पाते हैं उनके हाथ में कोई बॉल्स दे दो कोई चीजें दे दो तो कलर्स भी इजीली डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो अब आइए जानते हैं कि आप सच में क्या ये कर सकते हैं इज इट पॉसिबल तो अभी मैं यहाँ पर एक आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ और ये वीडियो है जो न्यूज चैनल ने वीडियो निकाला है क्योंकि ये जो मैं सेशन की बात कर रही हूँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन ये कोई अजूबा नहीं है ये हर एक सिटी में हो रहा है दिल्ली बैंगलोर मुंबई हर एक जगह सेशन हो रही है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लोग स्कोर कर रहे हैं अमेजिंग हाइएस्ट नंबर ऑफ यूपीएससी क्रैक कर पा रहे हैं आउट ऑफ ला पा रहे हैं क्यों

जो आपके बच्चों को जीनियस बना सकता है जी हाँ आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर जीनियस बच्चों से मिलाने वाले हैं जो आंखें बंद करके भी ऐसे बहुत से काम कर देते हैं Quantum जो हम और आप शायद आंखें खोल के भी कई बार उतने परफेक्टली रंजीत कुछ बोला क्वांटम स्पीड है आ, मतलब आ, बस, वीडियो नहीं प्ले हो रहा है ढंग से नहीं हो रहा है, हो रहा है।, हो रहा है ना ओके okay, यहाँ न कर पाते जी हाँ ये बच्चे ये काम कैसे करते हैं इनको ये ट्रेनिंग कैसे मिली और इनका कमाल क्या है हम आपको इन बच्चों से मिलाएं उसके पहले फटाफट इस रिपोर्ट में देख लीजिए प्रेस राहुल सिन्हा 1911 1977 जी न्यूज आज आपकी आंखों के सामने जो होगा उस पर यकीन करना मुश्किल होगा ये बच्चे आज जो करेंगे उसे देखकर कंप्यूटर भी डर जाएगा देखिए इन बच्चों को क्या कर रहे हैं किसके बारे में है? ये किताब किसके बारे में ये किताब से हवा नहीं कर रहे बल्कि ये बच्चे ऐसे ही किताब हिलाकर दो मिनट में पूरी किताब पढ़ लेते हैं ओके सो अभी मैंने वीडियो इसलिए ऑफ कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा है पूरा एक थर्टी मिनट्स का एपिसोड इसके ऊपर बना है हमको देखने की जरूरत नहीं है इट्स जस्ट दैट टू शो कि इस टाइप की चीजें इस दुनिया में हो रही है और हम उससे परिचित नहीं है एक और चीज आपने नोटिस की इसमें बच्चों 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 ऐसा बोला गया है तो अब ये बच्चों के लिए सीमित नहीं है इनिशियली जब ये निकला था ये टेक्निक मिड्रेन एक्टिवेशन का वो लिमिटेड था अप टू 16 साल के बच्चों के लिए लेकिन अब वो अनलिमिटेड हो गया है कोई भी 8 या 7 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति वो अठारह साल का हो बीस साल का हो पच्चीस साल का हो या तीस चालीस साल का भी क्यों ना हो वो मिड ब्रेन अपना एक्टिवेट करके ये चीजें कर सकता है सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर अस ये जानते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन तो एक वर्कशॉप होता है लेकिन बाकी लेवल पे आप बाकी क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसके द्वारा आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो तो क्या एक्टिविटीज है लेट सी हम यस yes. मैं सिर्फ सबको म्यूट करने जा रही हूं ताकि बीच में से कोई फूक मार रहा है उसकी आवाज ना आए शिफ्ट फाइव एंड म्यूट म्यूट ऑल ओके ओके मिड ब्रेन एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं मिड ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए तो सबसे पहली चीज आती है आई एक्सरसाइजेस मैं आपको बता दूं आपका आई जो है ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है नोटिस करना कि जब आप बहुत ज्यादा टीवी देख लेते हैं या मोबाइल स्क्रीन का यूज कर लेते हैं तो उसके बाद आंखें नहीं कर रहा है, है के साथ। तो आई अगर आप करते हैं तो ब्रेन की भी नेचुरली एक्सरसाइज होती है तो चलिए करते हैं बेसिक दो आई एक्सरसाइज जो आप अभी रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं वैसे भी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा आई एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो अवेलेबल है बट मैं आने वाले भविष्य में आई पर एक पूरा बनाऊंगी जिसमें तो आपको करने की की उससे ज़्यादा आपको करने ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए वीडियो बना के मैं के लिए मैं लोगों के ज़रूर पे तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अब आई एक्सरसाइज जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है स्ट्रेट देखना है फिर नीचे देखना है फिर स्ट्रेट देखना है जब भी आप एक स्टेप कंप्लीट करें आंखें जरूर क्लोज करें बिकॉज ज्यादा आईज़ को एक्सर्ट करना ब्रेन को डैमेज करने जैसा होता है तो इसको बहुत तान के नहीं करना है जैसे एक स्टेप हो जाए तो आंखें क्लोज करनी है इसको हम सिर्फ आ, दो बार करेंगे या तीन बार करेंगे ताकि हम बाकी सेशन में और कुछ नया भी सीख सकें तो करते हैं मेरे साथ सबसे पहले बैक स्ट्रेट कर ले गहरी लंबी सांस ले और अब सीधा देखें फिर ऊपर देखें फिर सीधा देखें फिर नीचे की तरफ देखेंगे फिर सीधा देखेंगे और आईज क्लोज करेंगे वन मोर टाइम आईज ओपन सीधा देखेंगे ऊपर देखेंगे सीधा देखेंगे नीचे देखेंगे और सीधा देखेंगे और आंखें बंद करेंगे लास्ट टाइम करने जा रहे हैं आंखें खोलेंगे ऊपर देखेंगे सेंटर में देखेंगे नीचे देखेंगे सेंटर में और आईज क्लोज ये रही फर्स्ट आई एक्सरसाइज बेसिक है ये अब सेम वाइज साइड में आपको देखना है सेंटर में लाना है साइड में देखना है सेंटर में लाना है राइट right से हमेशा स्टार्ट करें तो आ, सीधा देखें आंखें खोले राइट right की तरफ अपनी आंखों को लेकर जाए स्ट्रेट देखें लेफ्ट की तरफ ले जाए स्ट्रेट देखें आइस क्लोज करें आंखें खोले राइट की तरफ ले जाएं, स्ट्रेट देखें लेफ्ट की ओर ले जाएं, स्ट्रेट देखें आइस क्लोज करें आंखें खोले लास्ट टाइम करने जा रहे हैं राइट की तरफ आइस लेकर जाए स्ट्रेट लेकर जाए लेफ्ट लेकर जाए और स्ट्रेट आइस क्लोज करें ओके okay. और जब आपकी जब भी कोई एक्सरसाइज खत्म हुआ इसकी हाथों को रब करें गरम करें और ये एक हीलिंग की तरह काम करता है और जब इसको आप आंखों पर लगाते हैं ये हीलिंग एनर्जी आंखों पर मिलती है और आंखों को हीलिंग मिलती है तो इसको जरूर करें तीन से चार बार करें ताकि आंखों को और हीलिंग मिले और दिन भर में भी जब भी, भी आपको ज्यादा थकावट लगे तो आप कर सकते हैं रोशन गायकवाड़ रोशन मेरी अवॉइस है ना बाकी सब लोगों को आ रही है तो आप एक बार अपना नेट कनेक्टिविटी चेक करिए हो सकता है वो सकते। आपका नेट शायद कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है इस वजह से आवाज नहीं आ रही है अब दोस्तों मैं दूसरी चीज आपको बोलने जा रही हूँ वो ये है कि मोबाइल जो है उससे थोड़ा बचे मोबाइल का एक वीडियो भी है जो मैं दिखाना चाहूंगी आपको लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मोबाइल की स्क्रीन को 30 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूएशन में न देखें देखने के बाद पांच मिनट का गैप ले कुछ और देखें दूर की तरफ और बाद में आप वापस स्क्रीन पे आ सकते हैं एडवांटेजेस हैं हैं आज की डेट में ऑनलाइन आप मुझे भी देख रहे जो लाइट होती है वो आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज करती है एंड आईज डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड है इसलिए कहीं ना कहीं कही आज जो मेमोरी लॉस मानसिक प्रॉब्लम ओसीडी के प्रॉब्लम्स, सिजोफेनिया बहुत सारी बीमारियां जो मानसिक रूप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपके मोबाइल जो ज्यादा यूज करते हैं उसकी वजह से होती है तो आप क्या करना है मोबाइल यूज थोड़ा सा कम करें खासकर रात के टाइम पे पूरे लाइट्स ऑफ करके कुछ लोगों को आदत है वीडियोस देखने की या मोबाइल यूज करने की पूरी रोशनी में मोबाइल यूज करें कम से कम ब्राइटनेस में रख के करें ताकि आंखों को ज्यादा डैमेज ना हो आपके आंखों के नीचे काले घेरे भी इसकी वजह से आते हैं और एक खास बात जो मोबाइल है उसका काम है एनर्जी खींचना टावर की रेंज खींचना तो ऑल द टाइम उसका काम है एनर्जी खींचना अगर आपके सर के पास रात को आप फोन रख के सोते हैं बिकॉज अलार्म क्लॉक है कोई अर्जेंट कॉल ना आ जाए तो आपके ब्रेन की वेव्स यानी एनर्जी वो खींचने का काम करता है जिसके कारण ब्रेन ट्यूमर ब्रेन कैंसर या ब्रेन डैमेज होता है और उसी का वीडियो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूं। तो इसको गौर से देखे। ये मैं नंबर डायल करूंगा अपने इस नंबर का ये नंबर मिलाते ही ये देखिए, ये टेस्ट कैसे चल रहे हैं? इतनी पावरफुल ये रेडिएशन This model of the skull. But we also know from other studies that have been done by the cell phone industry that the phone signals are absorbed very deeply into the brain, and you see here they're absorbed much more deeply into the head of a five year old. रेंस पतला, देख रहे हो भी तो? हाँ यस। रेंस पतला नहीं तो, ओबामा। नहीं। किन्हीं पॉज कर दो इसे। ओके। So, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेन में कितना ज्यादा डैमेज करती है ब्रेन वेव यानी कि जो मोबाइल की रेंज होती है वो तो इसके लिए क्या करें इलाज ये है कि अगर आपको आपको रखना पड़ता है मोबाइल अपने पास क्योंकि अलार्म आपने सेट किया हुआ है तो आप ऑफलाइन मोड पर डाल दें एरोप्लेन मोड में जब आप डालते हैं तो सिग्नल वो खींचना लेना बंद कर देता है तो मोबाइल आपके यूज के लिए टोटली सेफ हो जाता है तो मोबाइल में कोई हार्म नहीं होता लेकिन जैसे सिम डलता है और वो रेंज लेने की कोशिश करता है वहां दिक्कत होती है दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो सर से एटलीस्ट फीट दूरी पर अपने बॉडी से छह फीट की दूरी पर मोबाइल को रखें और फिर सोएं। नोटिस करिएगा आपने जब पहले मोबाइल फोन नहीं थे रात को सोते थे और सुबह जब उठते थे ना फ्रेश लगता था लेकिन अब जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं लगता और ज्यादा थका हुआ लगता है ऐसा लगता है और थोड़ी नींद ले लू बिकॉज हम मोबाइल के पास सोते हैं मोबाइल रख के सोते हैं या तो रात को स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो आंखें थकी उसको स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है कि वो ब्रेन रिकवर नहीं कर पा रहा रात भर में तो मोबाइल से थोड़ा दूर रहे अगर ब्रेन डेवलप करना चाहते हैं तो अब आता है हमारा पार्ट फूड फॉर ब्रेन यानी ब्रेन के ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपके ब्रेन को और शार्प बना सकती है सबसे पहले कॉफी कॉफी जो लोग रेगुलरली डेली वन कप पीते हैं उनको यानी ऐसा डिजीज जिसमें आगे चल के भविष्य में आपकी याद शक्ति चली जाती है वो नहीं होता है तो ये साइंटिफिक रिसर्च द्वारा प्रमाणित है इसलिए कॉफी जरूर ले और अगर मेरी माने डाइट कंट्रोल भी करना चाहते हैं तो डार्क कॉफी जो बिना दूध की होती है विदाउट शुगर अगर आप लेते हैं थोड़ी सी ब्रेन एक्टिव भी होता है और उसके साथ जिम या एक्सरसाइज के पहले इसको लिया जाए तो ज्यादा वर्कआउट कर पाते हैं आप लोग और एग्जाम के पहले अगर पढ़ते हैं या स्टडी के जस्ट पहले पढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बढ़ाती है उसके बाद ब्रेन मिलली 90 परसेंट आपका फैट से बना है और वो भी ओमेगा थ्री फैटी एसिड फिश के अंदर प्रेजेंट होता है यही वो फैट है जिससे ब्रेन डेवलप हुआ है तो अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपका ब्रेन डेवलप हो तो फिश का इंटेक वीकली थ्राइस एटलीस्ट करना शुरू कर दीजिए टू पीस खाइए एंड वो लिक्विड जो है वो जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड वो मिल जाएगा उसके अलावा ब्रेन मैक्सिमम जो डैमेज होता है वो होता है स्ट्रेस के कारण गूगल बॉय जो कि पूरे जोग्राफी मैप हिस्ट्री के बारे में सब जानता है गूगल बॉय जो बहुत फेमस हुआ था गूगल में इंटरनेट पे और न्यूज चैनल में भी आया था उनके पेरेंट्स तो और टलिया वो यहाँ पर आए थे बलाशा एरिया में और वहां पे मुझे मौका मिला था उनके पेरेंट्स उनके घर वालों से और कौटलिया से मिलने का तब मैंने उनको पूछा ये इतना शार्प कैसे है तो उन्होंने तब एक सीक्रेट बताया कि हम इसको कभी रोने नहीं देते रुलाते ही नहीं इसको स्ट्रेस नहीं देते ये बोलता है स्कूल नहीं जाना तो नहीं भेजेंगे ये बोलेगा ये चाहिए तो हम दे देते हैं तो स्ट्रेस से क्या होता है कि ब्रेन डैमेज होता है और हमारे अंदर की अनलिमिटेड पावर्स जाती है तो स्ट्रेस रिलीज करने का क्या तरीका है वो है चॉकलेट जब हम चॉकलेट खाते हैं उसके अंदर ऐसी कुछ कंटेंट्स हैं जो आपको स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं इसीलिए आप पढ़ाई के पहले या एग्जाम के पहले स्ट्रेस फ्री होने के लिए चॉकलेट खाइए और दिन में एक पीस जरूर खाइए चॉकलेट का ताकि आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रह रहे, रहे बादाम कहते हैं बादाम से ज्यादा धोखा खाने से अकल आती है लेकिन बादाम से भी तो आती है तो बादाम हम जरूर खाएंगे लेकिन उसको खाने का एक तरीका है इसको रात को भिगाना होता है पानी में उसके अंदर पित तत्व होता है अगर आप बादाम ऐसे ही खाते हैं तो शरीर में पित्त बढ़ने से पिंपल्स आ सकते हैं बॉडी में पित्त का लेवल बढ़ने से एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तीन बादाम से ज्यादा लालच में न कि ब्रेन ज्यादा विकसित हो जाएगा तीन इनफ है और जब सुबह आप खा रहे हैं तो एग्जैक्ट एक टाइम फिक्स करें कि भाई आठ बजे मुझे खाना है तो आठ ही बजे खाए वो एब्जॉर्बन टाइम बन जाता है ब्रेन के लिए जैसे कि अगर आपका खाना खाने का शेड्यूल है कि मैं एक बजे खाना खाता हूँ बजे खाएंगे तो पछता नहीं है उसी तरह ब्रेन एक अपना टाइमिंग सेट कर लेगा उस टाइम वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करने के लिए रेडी होगा खाली पेट खाना है चबा, चबा कर खाना है है छिलके नहीं है, नहीं नहीं खाने वो बिल्कुल फायदा करते हैं तो तो ये करें उसके बाद जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स उनके अंदर ओमेगा ओमेगा फैटी एसिड्स तो होता लेकिन एंटी होते हैं एंटी मतलब बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा बना रहे ऐसी क्वालिटी इनके अंदर होती है और जितना ज्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा वो अच्छा फंक्शन करेगा इसलिए हम प्राणायाम